हेलो गाइस, आज की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको सिखाएंगे सिंपल सूट की कटिंग करना, और दोस्तों वीडियो के लास्ट में हम कुछ फॉर्मूले आपको समझाएंगे सिखाएंगे जिसकी मदद से दोस्तों आप किसी भी साइज की सिंपल सूट की कटिंग कर सकते हैं। 31 से 54 साइज तक दोस्तों आप सिंपल कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं, सिंपल सूट की कटिंग कर सकते हैं। हमारी छोटी सी वीडियो अच्छे से वॉच करेंगे तो आप एक ही बार में ही सीख जाएंगे। और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों मैं बीच में आपको सिखाऊंगा फॉर्मूले जिसकी मदद से दोस्तों आप शोल्डर और आर्म होल और फ्रंट क्लोज की कटिंग कर सकते हैं किसी भी साइज की बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर दोस्तों हमारी छोटी सी वीडियो अच्छे से वॉच करेंगे तो आप एक ही बार में ही सीख जाएंगे। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया। जैसे कि दोस्तों ये हमने कपड़ा बिछा रखा है, ये दोस्तों जो हमने कपड़ा बिछा रखा है आपकी तरफ ओपन साइड है और मेरी तरफ बंद साइड है। दोस्तों जब हम सूट की कटिंग करते हैं तो इसी तरीके से ही कपड़ा बिछाते हैं, ठीक है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा नॉर्मली निशान लगाना और शोल्डर और आर्म होल की कटिंग करना कि किस साइज में कितना हमारा आर्म होल की कटिंग होती है और शोल्डर की कटिंग किस तरीके से होती है। जो दोस्तों मैं फॉर्मूला आपको सिखाऊंगा वीडियो में आगे, वो दोस्तों 31 से 54 चेस्ट के हिसाब से मैं आपको सिखाऊंगा, जिसकी मदद से दोस्तों आप कटिंग कर सकते हैं सिंपल सूट की बहुत ही आसान तरीके से। जैसे दोस्तों जब हम कपड़ा बिछाते हैं सूट का कटिंग करने के लिए, तो आपके कपड़े में जो भी सिलवट वगैरह होना वो प्रेस लगाकर हटा दें, क्योंकि दोस्तों अगर आप सिलवट वाले कपड़े पे कटिंग कर देंगे और सूट को रेडी कर देंगे तो जब आप प्रेस लगाएंगे ना तो क्या होगा, जो हमारी सिलवट होगी वो हटेंगी तो आपका सूट लूज हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों जब हम कटिंग करते हैं उसी टाइम आपको प्रेस लगानी है अच्छे से, ठीक है, जो आपकी सिलवट वगैरह हो वो हट जाए। अब उसके बाद दोस्तों जब हम सूट की कटिंग करते हैं तो उसमें अलग तरीके से हमारी कटिंग होती है, ठीक है, जब प्रॉपर तरीके से हम सूट की कटिंग करते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको सिखाऊंगा सिंपल कि हम निशान किस तरीके से लगाते हैं सूट में और आर्म होल और शोल्डर की कटिंग किस तरीके से करते हैं किस साइज में, ठीक है। अगर आपको सीखना है कि हमारे सूट की कटिंग किस तरीके से की जाती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे आगे जैसी वीडियो आपको मिलती रहेगी आपको सीखने को मिलता रहेगा, ठीक है। अब नॉर्मली क्या करते हैं, जब हम सूट की कटिंग करते हैं तो ऊपर आपको क्या करना है, एक सीधा निशान लगाना होता है। जैसे दोस्तों स्केल लेंगे, स्केल की मदद से एक निशान लगाएंगे सीधा, क्योंकि दोस्तों ये निशान इसलिए लगाते हैं जो हमारा ऊपर की तरफ आया टेढ़ा कपड़ा होता है तो क्या होगा, हमारा कटिंग करके हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमने एक सीधा निशान लगा दिया। अब उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको इंची टेप लेना है। इंची टेप दोस्तों इसी के बराबर से ही रखना है निशान जो हमने लगाया है। अब उसके बाद दोस्तों आपको लंबाई का निशान लगाना है, ठीक है, जितनी भी आपकी लंबाई हो उसमें दोस्तों आपको आधा इंच प्लस कर देना है। जैसे हम इसमें रख लेते हैं 36 इंच लंबाई, आधा इंच हम इसमें प्लस कर देंगे 36.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा देंगे। अब यहाँ से दोस्तों नीचे की तरफ आपको दोस्तों 3 इंच का मार्जिन या 2.5 इंच का मार्जिन आप रख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से हमारा ये निशान लग जाएगा। अब स्केल लेंगे, स्केल की मदद से ये निशान इस तरीके से हम सीधा कर देंगे, ठीक है, यहाँ से ये निशान सीधा कर देंगे और इस जगह से भी दोस्तों हम ये निशान सीधा कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से हमारा ये निशान सीधा हो जाएगा लंबाई का। ये हमारा तुरपाई के फोल्ड का मार्जिन का भी निशान साथ ही में लग जाएगा 2 से 2.5 इंच या 3 इंच का, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर की तरफ आपको दोबारा से इंची टेप रखना है जो हमने निशान लगाया है, ठीक है, इस जगह पर हम इंची टेप रखेंगे दोबारा से। अब यहाँ पर दोस्तों जो हमारा सेकेंड निशान लगेगा, यानी कि दूसरा जो निशान लगता है वो आर्म लेंथ का लगता है, ठीक है। इस टाइम दोस्तों मैं आपको सिखा रहा हूँ कि सूट की कटिंग किस तरीके से होती है, तो दोस्तों जो दूसरा निशान लगता है वो आर्म लेंथ का लगता है। तो इसमें दोस्तों मैं सिखा रहा हूँ आपको 40 चेस्ट के हिसाब से, नॉर्मली हम मान के चल लेते हैं कि चेस्ट के हिसाब से मैं आपको कटिंग सिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो आर्म लेंथ का निशान लगेगा वो लगेगा दोस्तों 7 इंच पे 40 चेस्ट के हिसाब से, ठीक है। अब तीसरा जो निशान लगेगा दोस्तों वो हमारा लगेगा कमर का। कमर दोस्तों नॉर्मली हम निशान लगा लेते हैं 14.5 इंच पे, और बाकी दोस्तों मैंने आपको सिखा ही दिया है जो बॉडी मेजरमेंट का, उसमें कमर की लंबाई का निशान किस तरीके से लगता है, यानी कि नाप किस तरीके से लेते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया है। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा बॉडी मेजरमेंट का, वहां से जाके आप सीख सकते हैं। यहाँ पर हमने कमर की लंबाई का निशान लगा दिया 14.5 इंच पे। अब तीसरा चौथा जो निशान लगेगा दोस्तों, पहला निशान हमारा ऊपर लग गया शोल्डर का, दूसरा निशान लग गया दोस्तों आर्म लेंथ का, तीसरा निशान लग गया दोस्तों हमारे कमर लेंथ का। अब चौथा निशान लगेगा दोस्तों जहां से हमारे चाक ओपन होते हैं और जहां पर हमारा हिप का निशान लगता है। तो यहां पर नॉर्मल दोस्तों मैं आपको लगा के दिखा देता हूं, यानी कि 20 इंच पे दोस्तों हमारा होगा चाक ओपन, तो आधा इंच इसमें प्लस करेंगे 20.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा देंगे, ठीक है। और हमारी कमर की लंबाई जो है यहाँ पर वो 14 इंच है, लेकिन 14.5 इंच पे हमने निशान लगाया क्योंकि दोस्तों आधा इंच हमारा ऊपर कंधी में दबाव जाएगा, इसीलिए दोस्तों हमने इस तरीके से निशान लगाया आधा इंच प्लस करते हुए दोनों में, ठीक है, और लंबाई में भी दोस्तों मैंने आधा इंच प्लस करा था। अब इस तरीके से हमारे निशान लग जाएंगे। चाक का निशान आपको दोस्तों अपने अकॉर्डिंग लगाना है कि आप कितने पे चाक ओपन पहनना पसंद करेंगे, ठीक है, इस तरीके से हमारे निशान लग जाएगा। अब ये सारे निशान कर देंगे सीधे, ठीक है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ कि सूट की कटिंग किस तरीके से होती है, ठीक है।
और बाकी आपको दोस्तों सीखना है कि सूट की कटिंग किस तरीके से करते हैं, वो अलग तरीका होता है दोस्तों सूट की कटिंग करने का, क्योंकि दोस्तों इसमें हमारी एल जो है वो हमने पूरा ही कपड़ा बिछा दिया इस तरीके से, ठीक है, सिर्फ आपको सिखाने के लिए। लेकिन सूट में जो हमारे पल्ले कटते हैं बैक और फ्रंट के, वो अलग तरीके से कटते हैं, इस तरीके से कपड़े बिछा कर नहीं काटना आपको सूट, ठीक है। अब इस तरीके से हमारे निशान लग जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, नॉर्मली हम यहाँ पर फिटिंग के निशान लगा लेते हैं, जैसे हिप हमारी 40 रख लेते हैं, ठीक है, तो 40 का चौथा हिस्सा हो जाएगा 10 इंच पे, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों घेरा आप जितना पहनना पसंद करें, ठीक है, या तो आप हिप के हिसाब से रख सकते हैं या फिर आप बढ़ा भी सकते हैं। घेरा हम रख लेते हैं 22 इंच का, ठीक है, तो हाफ हिस्सा हो जाएगा दोस्तों 11 इंच। इस तरीके से हमारा निशान लग जाएगा, ये निशान दोस्तों इस तरीके से हम सीधा कर देंगे, ठीक है। घेरा आप अपने अकॉर्डिंग ही पहनना पसंद करेंगे, उसी हिसाब से निशान आप लगा लें। अब जितना हमारा स्केल है उसी हिसाब से दोस्तों यहाँ पर हम मार्जिन छोड़ देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने मार्जिन छोड़ दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा कमर का निशान लगेगा, जितना आपकी कमर हो, ठीक है, यहाँ से दोस्तों जितनी भी आपकी कमर हो उतना आपको हाफ हिस्सा लगा देंगे। जैसे हमारी कमर है 32 इंच, तो आधा इंच हम लगा देंगे, यानी कि आधा हिस्सा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8 इंच का, ठीक है। इस तरीके से हमारा निशान लग जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों चेस्ट जो हमने निशान लगाया आर्मोल का, वो लगाया हमने 40 चेस्ट के हिसाब से, तो यहाँ पर चौथा हिस्सा हो जाएगा 10 इंच, ठीक है। इस तरीके से हमारा निशान लग जाएगा। अब ये दोस्तों यहाँ से सेफ अंटी लेंगे, ये दोस्तों हमारी सेफ अंटी है, चेस्ट और कमर का निशान इस तरीके से सेफ दे देना आपको, ठीक है। अब यहाँ से कमर से और हिप पर इस तरीके से आपको निशान लगा देना है, ये दोस्तों हमारा निशान लग जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको मार्जिन का टाइट लूज का जो हमारा सूट हो जाता है उसके लिए मार्जिन आपको छोड़ना है। ये दोस्तों जो मार्जिन छोड़ते हैं वो 2 से 2.5 इंच तक का छोड़ते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये निशान लग जाएंगे। अब जैसे कि दोस्तों मैंने ये निशान लगाना आपको सिखा दिया है, ठीक है, यहाँ पर फिटिंग के निशान हमने लगाना सिखा दिया है। लेकिन दोस्तों अगर बाई चांस आपका बॉडी का नाप है, ठीक है, अब उसके हिसाब से आप कटिंग कर रहे हैं, तो उसमें किस तरीके से हमें लूजिंग देनी चाहिए बॉडी के नाप में, वो दोस्तों मैंने स्पेशली वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी है अभी तक हमारी वीडियो, तो वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से जाके आप सीख सकते हैं, या फिर दोस्तों हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि बॉडी के नाप पे हमें कितने इंच की लूजिंग देनी चाहिए। अब यहाँ से दोस्तों मैंने ये सारे निशान लगा दिए, ठीक है, फिटिंग के निशान दोस्तों ये हमारे हैं लूजिंग वगैरह देने के बाद, ठीक है। जैसे हमारा बॉडी का नाप जो होता है उसमें हमने लूजिंग ऐड करने के बाद ये निशान आपको लगाना सिखाया है, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों बारी आती है, हमने फिटिंग के निशान लगा दिए, अब बारी दोस्तों आती है हमारे यहाँ पर शोल्डर की कटिंग किस तरीके से होगी और फ्रंट क्रॉस की कटिंग किस तरीके से होगी। आर्मोल का निशान तो हमने लगाना सिखा ही दिया था। अब जैसे दोस्तों ये हमारी चेस्ट जो है वो 40 इंच है, कमर हमारी 32 इंच है, हिप दोस्तों 40 इंच है, ये दोस्तों हमारा नाप हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों 40 चेस्ट के हिसाब से जो हमारी फ्रंट क्रॉस का निशान लगेगा वो लगेगा यहाँ से 6 इंच पे, ठीक है, 6 इंच पे हमारा निशान लगेगा। अब इसी टाइम दोस्तों हमारा बैक क्रॉस का निशान लगता है, वो लगता है 1.25 इंच पे, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये निशान लग जाएगा, फ्रंट क्रॉस का हमारा लग गया 6 इंच पे और बैक क्रॉस का जो निशान लग गया वो लग गया 1.25 इंच पे। यहाँ से ये हमारा फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस का निशान लग जाएगा। अब इस जगह पे दोस्तों हमारा शोल्डर का निशान लगता है, तो शोल्डर का निशान जो लगता है दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको शोल्डर के ही हिसाब बता देता हूँ किस तरीके से हमारा निशान लगता है। जैसे दोस्तों मान के चलिए हमारा जो शोल्डर है वो रख लेते हैं इसका 15 इंच, ठीक है, 15 इंच नॉर्मली मैं रख लेता हूँ शोल्डर इसका। आपका कोई सा भी साइज हो सकता है शोल्डर का, ठीक है, 15.5 भी हो सकता है, 16.5 भी हो सकता है, 13.5-12 कुछ भी हो सकता है। अब इसको दोस्तों जो भागा करेंगे, यानी कि इसमें माइनस जो करेंगे, जैसे जो शोल्डर का नाप होता है दोस्तों जो करते हैं वो दोस्तों हम 5 इंच से करते हैं। अगर आपका बैक गला, जैसे पीछे का गला अगर आपका 5 है, तो दोस्तों आपको 15 इंच पे माइनस करना है 2 इंच, ठीक है, 2 इंच आपको माइनस कर देना है। अगर आपका बैक गला है, जो फॉर्मूला हम निकालते हैं वो बैक गले के 5 से निकालते हैं, जैसे 5 इंच का जो गला होगा उसी टाइम दोस्तों जो हमारा फॉर्मूला लगता है वो लगता है 2 इंच का, ठीक है। यहाँ से जैसे मान के चलिए बैक से हमारा 5 इंच गला है, ठीक है, पीछे से हमारा 5 इंच गला है, शोल्डर हमारा 15 इंच है, इसमें दोस्तों अगर आपका 5 इंच बैक से गला है तो 2 इंच हमें माइनस करना है 15 इंच में से, जो हमारा शोल्डर है 15 इंच का। अब यहाँ पर दोस्तों टोटल जो आएगा वो आएगा 13 इंच का, ठीक है, शोल्डर जो यहाँ से हमारा कटिंग होगा वो होगा 13 इंच का। जो हमारा शोल्डर का फॉर्मूला होता है वो बैक गले 5 से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर आपका मान के चले 4.5 इंच आपका गला है, या फिर दोस्तों आपका बॉर्ड नेक हो, ठीक है, बॉर्ड नेक हो या आपका कॉलर नेक हो, तो आपका उसका अलग फॉर्मूला होता है। लेकिन जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये जो शोल्डर का फॉर्मूला सिखा रहा हूँ, ये अगर आपका बैक गला 5 से 12 इंच है तो इस तरीके से आपको अपनाना है। जैसे हमारा जो फॉर्मूला निकलता है वो बैक गले 5 से ही स्टार्ट होता है। अगर आपका पीछे का 5 गला
पांच गला है, तो आपको जितना भी शोल्डर आए यहाँ पर हमारा शोल्डर हो जाएगा, फिर उसमें से दोस्तों आपको 2 इंच माइनस करना है, टोटल जितना आएगा उतना दोस्तों यहाँ पर आपको निशान लगाना है। जैसे 13 इंच है तो यहाँ पर दोस्तों 6.5 इंच पे निशान लगा देंगे। ये तो दोस्तों हमारा निशान लग जाएगा शोल्डर पे, अगर आपका बैक से 5 इंच है, 5.5 इंच है गला, तो ठीक है, इस तरीके से 2 इंच माइनस करने के बाद अब टोटल यहाँ से हमारा निशान लग जाएगा। अगर आपका 5 से 12 इंच तक आपका गला है, जैसे मान के चले यहाँ पर हमारा 6 इंच गला हो गया, तो यहाँ से क्या करना है, यहाँ पर फोकस करो जरा, इस जगह पे जैसे हमारा 13 इंच गला है तो 6.5 इंच है इस जगह पे, ठीक है हमारा, तो यहाँ से अगर आपका मान के चलो कि आपका 6 इंच है, तो यहाँ से 3 सूत आपको कम कर देना है, यानी कि 6 इंच गले पे हो जाएगा 6.25 इंच हमारा शोल्डर, ठीक है। 40 चेस्ट के हिसाब से कोई सा भी आपकी चेस्ट हो, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला आपको सिखाया ना, वो बैक गले 5 के हिसाब से सिखाया है, ठीक है। आपका कोई सा भी साइज हो, जरूरी नहीं है कि 40 चेस्ट हो तभी आपको ये फॉर्मूला अपनाना है, लेकिन आपका कोई सा भी साइज हो उसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको 5 गले के हिसाब से फॉर्मूला निकाल लेना है 2 इंच माइनस करने के बाद, कोई सा भी आपका शोल्डर हो, ठीक है, 15 इंच है, 14 इंच है, कोई सा भी, आपको 5 इंच के गले के हिसाब से 2 इंच माइनस कर देना है, जितना भी आपका आएगा उस हिसाब से दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर निशान लगा लेना है, ठीक है, इस जगह पे हमें निशान लगा देना है। अब उसके बाद दोस्तों आपका जैसे 6 इंच हमारा गला हो जाएगा तो आपको 3 सूत माइनस कर देना है, ठीक है। अगर आपको 7 हो गया तो फिर दोबारा आपको 3 इंच सूत यहाँ से, जो हमारे इंची टेप में 3 डंडी होती है, उस हिसाब से आपको माइनस कर देना है। अगर आपका 8 हो गया तो उसके हिसाब से 3 डंडी आपको माइनस कर देनी है, फिर आपका 9 हो गया या 7-8 हो गया तो आपको 3 डंडी माइनस कर देनी है। उसके बाद दोस्तों आपका अगर आपका 10 इंच हो गया, फिर उसके बाद 3 डंडी आपको माइनस कर देनी है, जितना भी आपका गला हो उसी हिसाब से माइनस करके यहाँ पर शोल्डर का निशान लगा देना है। सबसे पहले दोस्तों आपको 5 इंच के हिसाब से फॉर्मूला निकालना है शोल्डर का, जितना आपका आए यहाँ पर तैयार उसी हिसाब से आपको निशान लगा देना है। अब जितना भी आपका गला हो, ठीक है, उसी हिसाब से ही, जैसे मान के चले आपका नॉर्मली जैसे एक पैर 3 डंडी इस तरीके से माइनस करते जाएं, ठीक है, 6 के हिसाब से 7 के हिसाब से, और जितना आपका बैक गला हो उस हिसाब से आपको यहाँ पर शोल्डर का निशान लगा देना है, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आई तो हमारी वीडियो थोड़ी सी पीछे करके आप दोबारा से समझ सकते हैं। ये तो दोस्तों हमारा फॉर्मूला हो गया किसी भी साइज में किस तरीके से हम शोल्डर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे, इस जगह पे हमें ये निशान सीधा कर देना है, ठीक है, इस तरीके से हमारा, मान के चले यहाँ पर जो हमने शोल्डर का निशान लगाया था इस जगह पर हम लगा देंगे, और यहाँ से ये निशान इस तरीके से सीधा कर देना, ये हमारा निशान सीधा हो जाएगा यहाँ पर, ये हमारा फ्रंट क्रॉस का निशान है, ये बैक क्रॉस का निशान है। अब यहाँ से दोस्तों आपको गले ब्रोड का 2.5 इंच पे निशान लगा देना है इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, हल्की सी आपको कंधी डाउन करनी है, इस जगह से ना हल्की सी आपको कंधी डाउन करनी है, यहाँ से दोस्तों यहाँ से आधा से 1 डंडी कम, यानी कि 1 सूत कम यहाँ से कंधी डाउन इस तरीके से आपको कर देनी है। अब उसके बाद दोस्तों आपको फ्रंट क्रॉस में आर्मूल की शेप देनी है फिनिशिंग से, ठीक है, इस तरीके से, और उसके बाद दोस्तों आपको बैक क्रॉस में आर्मूल की शेप देनी है। इस तरीके से ये हमारा शोल्डर का फॉर्मूला हो गया कि किस तरीके से हम निकालते हैं, लेकिन जब हम फॉर्मूला निकालेंगे वो बैक गले 5 के हिसाब से ही निकालेंगे, उसके बाद दोस्तों आपको कम करते हुए जाना है जैसे मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। अगर बाय चांस दोस्तों जैसे हमारा ये कटिंग हो गया, अगर बाय चांस दोस्तों आपको क्या होगा, यहाँ से आर्मूल आपका बड़ा हो जाता है, जैसे हमारा बाजू जब अटैच करते हैं तो कई बार क्या होता है सूट का हमारा आर्मोल बड़ा हो जाता है इस जगह से, तो यहाँ से क्या करेंगे, इस जगह से आपको 2 से 2.5 इंच तक इस तरीके से नापना है, यहाँ पर एक निशान लगाना है, और जितना आपका बड़ा हो जाता है इस तरीके से आपको क्या करनी है, यहाँ पर आर्मोल में निशान लगा देना है, ठीक है, इस तरीके से आर्मोल में निशान लगा देंगे, इस तरीके से फिटिंग का निशान लगा देंगे यहाँ पर, तो आपको क्या होगा, आर्मोल ये कम हो जाएगा, लेकिन बाजू का आपका फिक्स होना चाहिए, बाजू का आपका छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपका सूट का बड़ा होता है तो इस तरीके से आप छोटा कर सकते हैं आर्मोल, जब हमारी बाजू अटैच होती है उस टाइम, ठीक है। ये तो दोस्तों मैंने आपको समझा दिया, अगर अब दोस्तों मैं आपको सिखाता हूँ, अगर आपका 40 से यानी कि 31 से 54 चेस्ट के हिसाब से आप कटिंग करते हैं आर्मोल की और फ्रंट क्रॉस की, तो किस तरीके से हम कटिंग करेंगे, कितना हमें रखना चाहिए, वो मैं आपको सिखा देता हूँ। शोल्डर के हिसाब से मैंने आपको सिखा दिया शोल्डर का नाप कि किस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है। अब दोस्तों जैसे मैं आपको एक बार पेन पे सिखा देता हूँ, जैसे दोस्तों हमारा शोल्डर का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको समझा ही दिया था, लेकिन एक बार और मैं समझा देता हूँ। जैसे मान के चले 14 हमारा शोल्डर है, यहाँ पर 15 था लेकिन 14 यहाँ पर रख लेते हैं शोल्डर। इसमें दोस्तों बैक गला आपका 5 से स्टार्ट होगा फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ पर आपका 6 हो 7 हो 8 हो 9 हो 10 हो 11 हो या 12 हो, कोई सा भी आपका हो सकता है, लेकिन आपको जो फॉर्मूला निकालना है वो 5 इंच के गले के हिसाब से ही निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 इंच आपको माइनस कर देना है जितना आपका शोल्डर आए, ठीक है। अब उसके बाद जितना भी आपका टोटल आएगा, जैसे 2 इंच माइनस कर दिया 12 हो गए यहाँ पर हमारा, तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे 12 आया हमारा इस जगह पे, तो आपको सबसे पहले 12 का ही निशान यहाँ पर लगा देना है,
ठीक है, 6 इंच हो जाएगा हमारा हाफ, तो 12 इंच का यहाँ पर इस तरीके से हमें निशान लगा देना है। अब उसके बाद क्या करना है दोस्तों, जैसे मान के चले यहाँ पर हमारा गला हो गया 8 इंच, ठीक है, 8 इंच हमारा यहाँ पर गला हो गया। इस सूट में कोई सा भी आपका नाप हो सकता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे 5 इंच के हिसाब से ये निशान लग गया, लेकिन यहाँ पर हमें 2 सूत माइनस कर देना है, यानी कि 6 इंच के हिसाब से हमारा यहाँ पर शोल्डर का निशान लग जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों आपको 2 इंच और माइनस कर देना है 7 इंच के हिसाब से। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको 2 सूत और माइनस कर देना 8 इंच के हिसाब से, तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला आ जाएगा वो 8 इंच के यहाँ पर आ जाएगा। 8 इंच के हिसाब से यहाँ पर हमारा फॉर्मूला आ गया शोल्डर का, इस जगह से हमारा शोल्डर का फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ से दोस्तों 2.5 इंच का गले ब्रोड रख सकते हैं, 2.5 इंच पे इस तरीके से हम गले ब्रोड का निशान लगा सकते हैं। अब जितना आपका यहाँ पर फॉर्मूला आएगा उसी हिसाब से ही दोस्तों आपको यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा देना है, फ्रंट क्रॉस या बैक क्रॉस में। ये तो हमने आपको सिखा दिया कि शोल्डर का फॉर्मूला इस तरीके से निकलता है, लेकिन हमें किस साइज में फ्रंट क्रॉस और आर्म होल की लंबाई लगानी है निशान, वो मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे दोस्तों मैंने इसमें लिख रखा है, पूरा प्रॉपर तरीके से मैंने अच्छे से इसमें लिख रखा है, ठीक है। अगर आपका बैक गला, जैसे अगर आपका पीछे से 5 से अगर आपका 12 इंच गला है, ठीक है, इंच गला, अगर आपका 5 से 12 इंच गला है, तो आपको मैंने ये सिखा रखा है, ठीक है, आर्म होल का फॉर्मूला मैंने और फ्रंट क्रॉस का फॉर्मूला मैंने लिख रखा है यहाँ पर चार्ट में। और ये दोस्तों हमारी जो चेस्ट तैयार है, ये तैयार चेस्ट है दोस्तों हमारी, ये तैयार कैसे है, जैसे हमारी बॉडी का नाप है उसमें जब हम लूजिंग देते हैं उस हिसाब से दोस्तों ये हमारी चेस्ट तैयार है, ठीक है। लूजिंग देने के बाद ये चेस्ट हमारी तैयार है, ठीक है, आपकी फिक्स जैसे 31 या 32 हो, फिक्स तैयार, बॉडी का नाप आपका नहीं होना चाहिए, लूजिंग देने के बाद आपकी तैयार होनी चाहिए चेस्ट। अगर आपकी 31 या 32 इंच है तैयार चेस्ट, तो आपको यहाँ पर दोस्तों जो हमारा फ्रंट क्रॉस है ना, इस जगह पर जो हमारा फ्रंट क्रॉस है और यहाँ पर दोस्तों आर्म होल लेंथ है, तो इसमें दोस्तों सबसे पहले जैसे 31-32 इंच हमारी चेस्ट है, तो यहाँ पर आर्म होल लेंथ, तो आर्म होल लेंथ दोस्तों क्या करेंगे, इस जगह से हम निशान यहाँ से लगाएंगे इस तरीके से, और आर्म होल लेंथ जो रखेंगे 31 और 32 में वो रखेंगे 6.5 इंच का, इस तरीके से हमारा निशान लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों हमारा निशान लग गया, ये निशान इस तरीके से हम सीधा कर देंगे, गुलाबी चौक इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं दोस्तों, यहाँ से हमारा सीधा निशान था, यहाँ पर हमने आर्म होल लेंथ का निशान लगा दिया। अब उसके बाद 31 और 32 चेस्ट में दोस्तों हमारी जो फ्रंट क्रॉस है वो है दोस्तों हमारी 5.25 इंच, तो यहाँ से क्या करेंगे 5.25 इंच इस तरीके से फ्रंट क्रॉस का निशान लगा देंगे। अब उसके बाद फ्रंट क्रॉस का निशान लगाने का आपको क्या करना है, बैक क्रॉस का 0.25 इंच इस तरीके से हमें निशान लगा देना, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, जैसे हमारा फॉर्मूला निकालना सिखाया था आपको बैक शोल्डर का, ठीक है, उसी तरीके से आपको फॉर्मूला निकालने के बाद यहाँ से निशान लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ से दोस्तों इस तरीके से हमें निशान लगा देना, ठीक है, इस जगह से हम निशान इस तरीके से लगा देंगे, और नॉर्मली दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, हमारी आर्म होल की शेप के निशान लग जाएंगे, ठीक है, गुलाबी चौक है हमारी इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा लग जाएगा आर्म होल का फॉर्मूला। अगर बाय चांस आपकी बाजू चढ़ाते टाइम क्या होगी, यहाँ से मान के चले आपका आर्म होल बड़ा हो गया सूट का, तो इस तरीके से जैसे मैंने आपको सिखाया था उसी तरीके से आप छोटा कर सकते हैं, यहाँ से 2 से 2.5 इंच तक नाप कर आपको आर्म होल छोटा कर देना है, ठीक है, इस तरीके से आपको सब साइज में लगाना है निशान। अब मैं आपको सिर्फ सिखा देता हूँ, मैं बोलूँगा अपने तरीके से, लेकिन आपको अपने तरीके से लिख लेना है डायरी में, या फिर दोस्तों इसी का ही स्क्रीनशॉट आपको लेके रख लेना है। अब जैसे कि दोस्तों मैंने आपको सिखाई दिया कि किस तरीके से किस साइज में हमें निशान लगाने हैं आर्म होल और फ्रंट के, अब इस चैट में दोस्तों मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ किस साइज में हमें कितना लेना है फ्रंट क्रॉस और आर्म होल। जैसे दोस्तों यहाँ पर तैयार चेस्ट है हमारी, और यहाँ पर दोस्तों फ्रंट क्रॉस है बीच वाला, और लास्ट वाला दोस्तों हमारा है आर्म होल लेंथ, तो यहाँ पर दोस्तों आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर अपनी डायरी में भी लिख सकते हैं। यानी कि दोस्तों 31 और 32 चेस्ट में जो हमारी फ्रंट क्रॉस का निशान लगेगा वो लगेगा 5.25 इंच पे, और आर्म होल लेंथ का जो निशान लगेगा वो लगेगा 6.5 इंच पे। 33 और 34 चेस्ट में दोस्तों जो हमारी फ्रंट क्रॉस का निशान लगेगा वो 5.5 इंच पे लगेगा, और आर्म होल लेंथ का लगेगा 0.75 इंच पे निशान। 35 और 36 इंच में दोस्तों हमारी फ्रंट क्रॉस का निशान लगेगा 0.6 इंच पे, और आर्म होल लेंथ का निशान जो लगेगा वो लगेगा 0.75 इंच पे। 37 और 38 चेस्ट में दोस्तों हमारी फ्रंट क्रॉस का निशान लगेगा 6 इंच पे, और आर्म होल लेंथ का निशान लगेगा 7 इंच पे। 39 और 40 चेस्ट में दोस्तों हमारी फ्रंट क्रॉस का निशान लगेगा 6 इंच पे, और आर्म होल लेंथ का निशान लगेगा 7 इंच पे। 41 और 42 चेस्ट में दोस्तों हमारी फ्रंट क्रॉस का निशान लगेगा 6.25 इंच पे, और आर्म होल लेंथ का निशान लगेगा 7.5 इंच पे। 43 और 44 चेस्ट में दोस्तों हमारी फ्रंट क्रॉस का निशान लगेगा 0.75 इंच पे, और आर्म होल लेंथ का निशान लगेगा 7.5 इंच पे। और 45 और 46 चेस्ट में दोस्तों हमारे निशान लगेगा फ्रंट क्रॉस का 0.75 इंच पे,
और आर्म लेंथ का निशान लगेगा 7.5 इंच पे। 47 और 48 चेस्ट में दोस्तों हमारी फ्रंट क्रॉस का निशान लगेगा 7 इंच पे और आर्म लेंथ का निशान लगेगा 7.5 इंच पे। 49 और 50 चेस्ट के हिसाब से दोस्तों जो हमारी कटिंग होगी फ्रंट क्रॉस की वो 7 इंच पे होगी और आर्म लेंथ का निशान लगेगा 7.5 इंच पे। 51 और 52 चेस्ट में दोस्तों हमारा 7.5 इंच पे फ्रंट क्रॉस का निशान लगेगा और 7.5 इंच पे आर्म लेंथ का निशान लगेगा। 43 और 54 चेस्ट में दोस्तों हमारी 7.5 इंच पे फ्रंट क्रॉस का निशान लगेगा और 7.5 इंच पे आर्म लेंथ का निशान लगेगा। ये दोस्तों मैंने आपको सारा सिखा दिया है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर दोस्तों हमारी वीडियो पीछे करके आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये दोस्तों जो मैंने आपको फॉर्मूले सिखाए हैं, अगर आपका बैक गला 5 से 12 इंच है तो ये दोस्तों फॉर्मूले आप अपनाएं। अगर आपका 0 से 4.5 इंच का अगर आपका गला है या फिर दोस्तों बैक से कॉलर है या फिर दोस्तों बॉर्ड नेक है तो उसकी अलग तरीके से कटिंग होगी, लेकिन दोस्तों अगर आपका 5 से 12 इंच बैक गला है आपका तो इस तरीके से आप फॉर्मूले अपनाकर कटिंग कर सकते हैं आर्मोल और शोल्डर की, ठीक है, फ्रंट क्रॉस की। और यहाँ पर दोस्तों जो आर्मोल हमने सिखाया आपको, शोल्डर जो मैंने आपको सिखाया है मैनेज करना, उसमें दोस्तों जो हमारी बाजू का दबाव होता है वो ऐड है, ठीक है, आपको अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है, इसी में दोस्तों हमारा ऐड रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको सिखा दिया 31 से 54 चेस्ट के हिसाब से दोस्तों आपको सूट की कटिंग किस तरीके से करनी है अगर आपका बैक गला 5 से 12 इंच है। अगर दोस्तों आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर देना, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना।